हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस SST न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, मेजर्स ऑफ टाइम। आज हम टाइम के बारे में सीखेंगे, टाइम का मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ओके, देखिए आप जानते हैं हम सब कुछ किसके अकॉर्डिंग करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। हमें पंचुअल भी रहना चाहिए, डिसिप्लाइन भी होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो हम अपना टाइम किससे देख सकते हैं, टाइम पीस के थ्रू। टाइम पीस हमारी वॉच हो सकती है, हमारा सन हो सकता है। आज से बहुत टाइम पहले जब वॉच नहीं हुआ करती थी तो हम अपना टाइम पीस किसे मानते थे, हम सन को टाइम पीस मानते थे। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे। ओके, देखिए जब सन राइज होता है जिस समय पर, जैसा आपको ये दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग बोलते हैं। इस समय पे हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। और इस टाइम क्या होता है ऑफ द डे, आवर शेडो, हमारी शेडो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। जब सन राइज होता है उस समय पे हमारी शेडो लॉन्ग होती है। ओके, फिर उसके बाद में क्या होता है, एज द सन गोज अप स्लोली आवर शेडो बिकम शॉर्ट। जैसे सन हमारे हेड पे आ जाता है तो हमारी जो शेडो है वो शॉर्ट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नून बोलते हैं, आफ्टरनून या नून बोलते हैं। ओके, जिसको दोपहर बोलते हैं हम हिंदी में। तो हमारी शेडो कैसी रहती है, शॉर्ट हो जाती है, जो कि हमारे आसपास ही रहती है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है दूर जा रही है, बट ये क्या है, हमारे पास में ही है, जहाँ हम खड़े हैं वहीं पर बन रही है। इसी के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद में क्या होता है, हमारी शेडो दोबारा से लंबी होने का नंबर लगा देती है। कब, जब सन, ये सन जो है सेट होने वाला होता है, जब ये छिपता है सन तो हमारी शेडो दोबारा से लॉन्ग हो जाती, दोबारा से लॉन्ग होने लग जाती है। तो शेडो में जो है स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हम इवनिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, डार्क होने लगता है। जब डार्क होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं डेली आप देखते हैं इसको, तो देखिए नाइट हो रही है, स्टार क्या होते हैं, स्काई में आ जाते हैं बहुत सारे। उसके बाद में क्या होता है, स्टार के बाद में हमें मून भी दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो डे है वो हमारा फिनिश हो गया। इसी तरीके से क्या होता है, फिर दोबारा से मॉर्निंग आती है नेक्स्ट डे, सन अगेन राइज होता है और न्यू डे हमारा स्टार्ट हो जाता है। जिस तरीके से राइज होता है, लॉन्ग शेडो होती है, फिर शॉर्ट होती है, फिर लॉन्ग होती है, सनसेट हो जाता है, इसी अकॉर्डिंग हमारा डे चलता है। अब हम समझेंगे डे में कितने आवर होते हैं। तो हमारे डे में 24 आवर होते हैं। 24 आवर के साथ में हमारे डेज कितने होते हैं, वीक में 7 होते हैं, और 4 वीक्स का हमारा मंथ होता है। मंथ में 30 और 31 डेज होते हैं, और 12 मंथ का एक ईयर बनता है। ओके, इस चैप्टर में बस इतना ही था। आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझना है और इसे रीड भी करना है। थैंक यू।